आया चीन से हाथ, वहीं अमेरिका ने दिया भारत और चीन का साथ। रूस के खिलाफ जंग हुई जारी, रूस ने दी भारत, चीन और अमेरिका को भीषण चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यह सोच रहे होंगे कि भारत ने चीन से हाथ कैसे मिला लिया। अमेरिका की तो बात बनती है, अमेरिका तो चीन से हाथ मिला भी सकता है, परंतु भारत ने चीन से हाथ कैसे मिला लिया और चीन और भारत के साथ अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ किस प्रकार से जंग का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जंग एक ही प्रकार की नहीं होती है, जंग कई प्रकार से लड़ी जाती है, जैसे ट्रेड वार हो गई या फिर साइबर वॉर हो गई। परंतु भारत अपने मित्र रूस से ही क्यों लड़ रहा है, वो भी चीन जैसे दुश्मन के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज की जो समीकरण है वो पूरी तरीका से चेंज हो चुके हैं और जो प्रत्येक देश है वो केवल अपना मुनाफा चाहता है, चाहे दूसरे वाला देश उसका दोस्त हो या फिर दुश्मन। और इसी के चलते दुनिया भर में अब एक नई तरीके की जंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अमेरिका, भारत और चीन तीनों बड़े देश शामिल हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उपभोग करते हैं और इनको सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल लाना पड़ता है विदेशों से। और इनकी लड़ाई हुई है ओपेक प्लस कंट्रीज से, यानी कि रूस और जो ओपेक कंट्री के देश हैं उनके साथ भारत, चीन और अमेरिका ने मिलकर अब एक जंग का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, यह जो वार स्टार्ट हुई है उसका मेन मकसद है क्रूड ऑयल के प्राइसों को कम करना, क्योंकि कोरोना काल में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। फिर ओपेक कंट्री ने अब एक नई चाल चली और अरबों डॉलर को छापने के लिए ओपेक कंट्री ने क्रूड ऑयल का उत्पादन करना कम कर दिया, जिससे आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छू रहे हैं और विभिन्न दुनिया के देश जो कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उपयोग करते हैं उनकी इकोनॉमी को लाखों अरबों डॉलर का घाटा हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। और इसी के चलते भारत को अपने परम मित्र रूस से भी जंग छेड़नी पड़ी है, क्योंकि रूस भी एक क्रूड ऑयल उत्पादक देश है और रूस ने अपना मुनाफा देखते हुए दुनिया समेत भारत को तक नजरअंदाज किया और अपने क्रूड ऑयल के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में अरबों डॉलर छाप रहा है। तो दोस्तों, भारत, अमेरिका और चीन जैसी तीन बड़ी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उपयोग करते हैं, उन्होंने अब इन ओपेक प्लस देशों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है और इसका मकसद है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम किया जाए। और इस प्राइस को कम करने के लिए भारत समेत अमेरिका जैसे देशों ने अपने जो रिजर्व में ऑयल रखे हुए हैं उनको यूज करने का फैसला लिया है, जिसके चलते भारत समेत अमेरिका और चीन जैसे देशों के अरबों डॉलर बच जाएंगे। और जो ओपेक प्लस कंट्रीज आज दुनिया भर में मनमानी कर रही हैं, उनकी मनमानी भी कम हो जाएगी और जल्द ही इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और इसी मामले में भारत ने भी अपने 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का यूज करने का निर्णय लिया है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में आने वाले दिनों में बहुत ही निचले स्तर पर गिरने वाले हैं। खैर, आप सभी की क्रूड ऑयल को लेकर हुई इस जंग में क्या राय है, क्या भारत को अपने मित्र देश रूस के साथ दुश्मनी मोल लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।